पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रवैया दिखाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगी। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा कर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। संदेश खाली से लौटने के बाद रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस से मुलाकात कर वहाँ के हालात के बारे में बताया। रेखा शर्मा ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगी। मैं जाकर होम मिनिस्ट्री में भी बात करूंगी और बात करूंगी राष्ट्रपति से भी, क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक महिला के नाते अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है, तभी दिखाई देगी। एज चीफ मिनिस्टर जाएंगी और अपना शासन बचाना चाहेंगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि वहाँ पुलिस प्रशासन पीड़ितों की कोई मदद नहीं कर रही है, हालात बहुत खराब है। अभी तक मुख्य आरोपी शाजा की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि बंगाल में ना बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे इनफैक्ट स्कूल्स में भी ये कहा जा रहा है। मैंने एक बच्ची जो 12वीं में वहाँ पढ़ती है, उसने कहा स्कूल में आके हमें कहा जाता है कि TMC के वर्कर बनो, यहाँ सिर्फ TMC करो यही कहा जाता है और जो नहीं करता उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ TMC से जुड़े नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर रेप और जमीन हथियाने का आरोप है। तो बड़ी खबर यह है कि संदेश खाली को लेकर TMC और BJP में संग्राम जारी है और आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली का एक बार फिर से रुख करेंगे। और इस बीच TMC ये कह रही है कि BJP इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल में BJP संदेश खाली को लेकर ममता सरकार से आर पार के मूड में है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे। हालांकि संदेश खाली जाने के लिए उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के शरण तक में जाना पड़ा। ममता सरकार धारा 144 का हवाला देकर BJP नेताओं को संदेश खाली जाने से रोकती रही है। कोर्ट ने शुभेंदु को जाने की इजाजत देने के साथ कहा है कि दौरे में वो कोई भड़काऊ बयान नहीं दे सकते, इसके साथ किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में गुंडों का इस्तेमाल करने के लिए शाहजा जैसे लोगों को संरक्षण देती है। गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण दे के रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट से संदेश खाली मामले की राज्य से बाहर सुनवाई कराने की याचिका खारिज होने पर TMC ने BJP के इरादे पर सवाल उठाए हैं। प्रथम कथा, सुप्रीम कोर्ट खूब स्पष्ट भावे बोलेछेन, ये मणिपुरের সঙ্গে संदेश खालीর কোনো তুলনাই চলে না। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मणिपुर के साथ संदेश खाली की कोई तुलना नहीं है। और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने आज से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मराठा नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का आज 11वां दिन है। वो मराठा आरक्षण पर सरकार के अध्यादेश को कानून में बदलने की मांग पर अड़े हैं, जिसके लिए उन्होंने शिंदे सरकार को 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था। इसी अल्टीमेटम की वजह से आज महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें मराठा आरक्षण पर कानून बनाने पर ठोस फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले मनोज जरांगे के अनशन को खत्म कराने के लिए सरकार मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए मनोज जरांगे एक बार फिर अनशन पर हैं। और बड़ी खबर, आंदोलन कर रहे किसानों ने MSP पर केंद्र सरकार के दिए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है और किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि 21 फरवरी को वो तय योजना के मुताबिक दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने और क्या कहा इस रिपोर्ट में। पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के साथ रविवार को हुए चौथे दौर की बातचीत में मिले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने कमरे के भीतर बातचीत में 5 फसलों पर MSP की गारंटी की बात कही थी, लेकिन बाहर आकर 4 फसल कहा। हालांकि किसानों ने कहा कि आगे भी बातचीत का दरवाजा खुला है। प्रस्ताव आया था, उनका प्रस्ताव ही ऐसा था, उसमें कुछ किसानों को लेने देने के लिए नजर नहीं आ रहा था। उसमें ये कहा गया कि जो किसान
धान की खेती को छोड़कर मूंग की बिजाई करेंगे, उनकी खरीदी करेंगे। और अगर नेचुरली कोई अपने आप पहले से कर रहा है तो इसका मतलब अर्थ ये निकलता है कि उनकी खरीदी नहीं होगी। तो सरकार ने जो अंदर बात कही वो बाहर आकर कहने में बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार के मुताबिक अगर दालों पर MSP देती है तो सरकारी खजाने पर 1.5 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन किसानों के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि सभी फसलों पर MSP देने पर 1,75,000 करोड़ देना होगा। किसानों की मांग के समर्थन में आज हरियाणा के जिंद में खापों की महापंचायत होनी है। आज की महापंचायत में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसानों ने कहा कि 21 फरवरी को शांति के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने कहा कि अगर उन पर कोई जबरदस्ती की गई तो वो सोचेंगे कि ऐसी सरकार को फिर आना चाहिए या नहीं। और किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार 1,75,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाती है, इतना पैसा अगर भारत के किसानों को दिया जाए तो उनकी कई समस्याओं का हल निकल जाए। केंद्र सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया था वो उनको मंजूर नहीं है, क्यों नहीं है मंजूर बताने के लिए सरवन सिंह पंडेर साहब हमारे साथ हैं। क्या खामी नजर आएगी प्रस्ताव में? देखिए, उस प्रस्ताव में पहली तो खामी है, बोलते हैं भी जो धान और गेहूं से बाहर आएंगे उनके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, जो ये 5 फसलें पहले बो रहे हैं तो अपने आप से बाहर हो जाएंगे। एक 5 साल की बात की जा रही है, हमने MSP पे ऊपर प्रोक्योरमेंट मांगी है, सभी फसलों के ऊपर प्रोक्योरमेंट करें। देखिए, वो बोल रहे थे इसके ऊपर हमारा 1.5 लाख करोड़ खर्च आएगा जी, हम बड़ी राशि लगाएंगे आपके ऊपर, तो बहुत सी स्टडीज अब आ रही हैं, अगर लीगल गारंटी कानून बनाया जाए इस फसलों के ऊपर तो इतना ही पैसा लगेगा। आप पाइम ऑयल जो बाहर से मंगा रहे हैं ये 1,75,000 करोड़ रुपया लगता, ये भी हमें दे दे तो हमारा चल सकता है। देखिए, मजबूरी होगी, हम कुछ भी ना तो दिल्ली जाने का सवाल ना बैरिकेड तोड़ने का, अगर सरकार ना तो जाने देती है ना हमारी मांग मरती तो हमारी मजबूरी होगी ना, हम आंदोलन तो चलाएंगे ना, तो हम आगे बढ़ेंगे पीसफुली ढंग से। इस तारीख को आपने 11 बजे का समय दिया है, क्या आप आगे बढ़ना करेंगे? बिल्कुल। किसान नेता दलजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि 21 फरवरी को वो शांति के साथ दिल्ली कूच करेंगे, कोई हिंसा नहीं चाहते वो। सुनते हैं उन्होंने दिल्ली कूच पर और क्या कहा। देखिए, हमारा अगला रास्ता है कि हम आंदोलन करेंगे, जिस तारीख को दिल्ली कूच करेंगे पूरा शांतिपूर्वक ढंग से। और अगर आगे से रोका जाता है हिंसा होगी। देखिए, अगर रोकेगा कोई तो समय के मुताबिक हमारा हम अपने आंदोलन को शांत रखेंगे। वो हमें गोली का रास्ता खुला सरकार से बंद हो गया। नहीं, बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होता, हम बातचीत का रास्ता ना बंद करते हैं ना करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार पॉजिटिव होकर इस रास्ते पर मतलब चले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू का दौरा करेंगे। इस दौरे में पीएम कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ जम्मू को 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। मिशन 2024 के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम केंद्र शासित प्रदेश को हजारों करोड़ की सौगात देंगे, जम्मू को 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें शिक्षा, रेलवे, पेट्रोलियम, विमानन और सड़क सहित कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम IIT जम्मू और IIM जम्मू का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की दी जानकारी के मुताबिक पीएम जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बात भी करेंगे। पीएम मौलाना आजाद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। गारंटी की गाड़ी देश के कोने कोने में गांव-गांव में घूमी है। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा, मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में इतना अधिक उसे रिस्पांस मिला है, अद्भुत। पीएम के दौरे को देखते हुए जम्मू को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। रैली स्थल और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां वो लोकसभा की चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी में लोकसभा की चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में आज दोपहर 12 बजे अमित शाह बीकानेर पहुंचेंगे। अमित शाह बीकानेर, उदयपुर, जयपुर क्लस्टर में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। प्रत्येक क्लस्टर में 3-3 लोकसभा सीटें हैं। अपने इस दौरे में अमित शाह 9 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। बीकानेर में अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे।
इसके बाद उदयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और शाम करीब 5 बजे जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। और यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के 370 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुटी है। इसी के तहत आज यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी अब तक की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज दोपहर करीब 3:30 बजे ये बैठक होगी। यूपी बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इनके अलावा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ चुनावी और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में अब तक की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए फैसलों को प्रदेश में लागू करने को लेकर भी बात होगी। बैठक में लिए गए फैसलों को लोकसभा चुनाव के दौरान अमल में लाया जाएगा। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक आज कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बेंगलुरु में धर्मगुरु से करेंगे मुलाकात। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ और उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से कमलनाथ की बातचीत होने के बाद नाराजगी को दूर करने का दावा किया गया। प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कमलनाथ 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने के साथ इसकी तैयारी में भी जुटेंगे। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी, कमलनाथ जी उस यात्रा में शामिल होंगे? 100% शामिल होंगे और शामिल के साथ साथ वो जो तैयारियां चल रही हैं उस यात्रा के लिए उसके अंदर पूरा भाग ले रहे हैं। उनके बेटे भी रहेंगे यात्रा में? बिल्कुल रहेंगे, वो हमारे माननीय सांसद हैं, क्यों नहीं रहेंगे वो? कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा कि नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नकुलनाथ रहेंगे बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। लेकिन नाराजगी, कमलनाथ भले करीबियों से कहलवा रहे हों कि वो कांग्रेस में हैं और रहेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सख्ती के साथ ये संदेश कमलनाथ को दिया कि पार्टी में रहना है तो पिता के साथ पुत्र नकुलनाथ को भी रहना होगा, नहीं तो कमलनाथ भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। इसके अलावा कमलनाथ के साथ जाने वाले विधायकों के बीच भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस था। इन सारी परिस्थितियों के बीच कमलनाथ को ही फैसला करना था कि वो किधर जाएंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। मानहानि के एक मुकदमे में राहुल गांधी की पेशी होनी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज कुछ घंटों का ब्रेक लग जाएगा क्योंकि राहुल गांधी को 2018 के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में पेश होना है। दरअसल राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर बीजेपी के एक नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी मामले में आज राहुल गांधी की पेशी होगी। राहुल गांधी सुबह 11 बजे सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद दोपहर 2 बजे से रायबरेली में यात्रा शुरू होगी। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रियंका गांधी कब इस यात्रा में शामिल होंगी, इस रिपोर्ट में प्रियंका अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। 24 फरवरी को वो मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। दरअसल बीमार होने के कारण प्रियंका गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वस्थ होने के बाद अब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी। 24 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंच रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी के ससुराल है। मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 24 फरवरी को मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बजाय यूपी में यात्रा का रूट बदलकर लखनऊ के बाद कानपुर, जालौन, झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश की तैयारी की थी, लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा का रूट एक बार फिर बदल दिया गया है। अब राहुल की यात्रा कानपुर में रुकेगी और 2 दिनों के ब्रेक के बाद फिर मुरादाबाद से शुरू होगी।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है। और यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात अभी तक नहीं बन पाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल न होने से मामला और उलझ गया है। कई दौर की चर्चा के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान कम नहीं हो रही है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस से साफ शब्दों में कह दिया कि पहले सीट बंटवारा फाइनल होना चाहिए। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल न होने की खबर के थोड़ी देर बाद ही समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, यानी अब तक समाजवादी पार्टी 27 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर चुकी है। उधर कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी से बातचीत के बाद सब ठीक हो जाएगा। सर अखिलेश जी जल्दी बांध जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा, सब सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से मना किया, फिर बिना कांग्रेस से विचार विमर्श के समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट ले आए। यानी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर कांग्रेस सीट शेयरिंग में देर करेगी तो वो भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को झटका देकर अपनी नई पार्टी बना ली। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा भी लॉन्च हो गया। दो दिन बाद पार्टी का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। 6 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सब तय है, इंतजार 22 फरवरी का है, जब दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए उनके पार्टी छोड़ने से अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है, वो भी ऐसे वक्त में जब अखिलेश लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा लगा रहे हैं। किसी के मन में क्या है ये एक कौन सी मशीन बताएगी, और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। उनकी कही बात उनको मुबारक, ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, ना उनकी सरकार केंद्र में है, ना प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत भी नहीं है। वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश को और झटका दे सकते हैं। उन्होंने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। और दिल्ली वालों को मेट्रो के फेज 4 का तोहफा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। फेज 4 के तहत 3 कॉरिडोर से जुड़े एमओयू को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। मेट्रो के फेज 4 के तहत 6 कॉरिडोर बनाए जाने हैं। इनमें से 3 मेट्रो कॉरिडोर के लिए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार डीएमआरसी केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन करने की मंजूरी दी है, जिसमें जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम, दिल्ली एरोसिटी से तुगलकाबाद स्टेशन, मजलिस पार्क से मोजपुर कॉरिडोर शामिल है। मंजूरी मिलने के बाद इन कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी। ये तीनों मेट्रो कॉरिडोर 65.20 किलोमीटर लंबे होंगे और इसमें 45 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। फेज 4 में अभी 3 कॉरिडोर को केंद्र की मंजूरी नहीं मिली है। और नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद सत्ता से अलग हुए तेजस्वी यादव अब जनता के बीच जाएंगे, जन विश्वास यात्रा की करने वाले हैं शुरुआत। और जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी लोगों के बीच जाकर अपने काम को लेकर तथ्य रखें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर तेजस्वी यादव आज से पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा लेकर निकलने जा रहे हैं। यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए चौपाल कर लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने अपनी क्षमता का 10% ही काम किया। 2020 में भी उन्हें छल कपट से सत्ता से हटाया गया। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों को 17 महीने काम करने का मौका मिला और जो इन 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी काम नहीं हो पाया।
तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा आज से 29 फरवरी तक चलेगी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगी। इस यात्रा में तेजस्वी नीतीश के साथ चलाई 17 महीनों की सरकार में अपने कामकाज का ब्यौरा जनता को देंगे। तेजस्वी अपने 9 दिनों की यात्रा में हर दिन 4 जिलों से गुजरेंगे। रोजाना वो एक बड़ी रैली करेंगे। बड़ी खबर एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। ममता ने आरोप लगाया कि आधार कार्ड के नाम पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरसी लाने से पहले आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। आधार कार्ड नहीं जरा ठेले खेला कर मानुष के वंचित कर चेष्टा कर मानुष आधार फेले देवे। आधार कार्ड के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मतुआ समाज का वोट छीनने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। आधार कार्ड तो कैंसिलेशन ही नहीं हुआ, आधार अथॉरिटी ने बता दिया ये वोट के लिए कर रहा है और खास करके हिंदू मतुआ समाज बांग्लादेश से घर बार छोड़ के आए रिफ्यूजी हिंदू इसको गुमराह करने का काम ममता बनर्जी कर रहा है। इसमें कोई फायदा ममता जी को नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले आधार कार्ड को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान पड़ता दिख रहा है। और पुणे में पार्किंग विवाद में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी वीडियो पुणे के खराड़ी इलाके का है, जहां देखिए किस तरह से कुछ लोग कई बाइकों पर सवार होकर आते हैं। सबसे पहले वो एक कार में जमकर तोड़फोड़ करते हैं और फिर नजदीक खड़ी एक बाइक में आग लगा देते हैं। वारदात को लेकर महेश राजी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि ओने की बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर पार्किंग विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही वारदात वाले दिन उनके महिला मित्र को भी पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। पुलिस आरोपी की पड़ताल में जुटी है। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी करेंगे संदेश खाली का दौरा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जाने की दी इजाजत। संदेश खाली पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने बंगाल गवर्नर से मुलाकात की, कहा मैं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करूंगी। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, कहा बिना राष्ट्रपति के शासन यहां कुछ नहीं हो सकता। संदेश खाली मामले पर एसआईटी गठित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कहा एक मामले की सुनवाई दो जगह नहीं हो सकती। बीजेपी सांसद लोकेट चैटर्जी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल में मुगल शासन सीएम ममता बनर्जी लाई। एनआरसी को लेकर सीएम ममता का केंद्र सरकार पर वार, कहा आधार कार्ड के नाम पर लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में कोई एनआरसी लागू नहीं होगा, हम राज्य में आधार के बदले दूसरा कार्ड लेकर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र के द्वारा आधार कार्ड डीएक्टिव किए जाने के आरोपों को निराधार बताया, कहा हिंदू शरणार्थियों को दबाने की कोशिश ममता कर रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फेमा मामले में ईडी को लिखा है खत, सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा। लेबनन के सिरोन शहर में आईडीएफ का कहर, इजरायली बमबारी में दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किया गया। लेबनन में आईडीएफ की बमबारी जारी है, विध्वंसक हमले में 14 लोगों को घायल होने की खबर, तबाही की तस्वीरें भी आई सामने। इसराइल की वायुसेना का विध्वंसक हमला, उत्तर दक्षिण लेबनन के गाजियाहा शहर पर एयर अटैक। लेबनन के गाजियाहा की तस्वीर आपके सामने, इसराइल की वायुसेना ने विध्वंसक हमले को दिया अंजाम। इसराइली फोर्स का नेबुलस में जबरदस्त अटैक, बुरका शहर में बमबारी। इजरायली वायुसेना का लेबनन पर अटैक, बीच सड़क बॉम्ब बरसाए गए। आईडीएफ की लेबनन के साइदा शहर पर एयर स्ट्राइक, गोदाम पर बमबारी की तस्वीरें आई सामने। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनन दहल गया, साउथ लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर वार। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक फायरिंग, हमास ठिकानों को चारों तरफ से घेर कर हमले को अंजाम दिया। गाजा में हमास का विध्वंसक गुरिल्ला वॉर, अल कुद्स ब्रिगेड का आईडीएफ व्हीकल पर हमला। गाजा में हमास के खिलाफ आवाज बुलंद, लोगों ने पहली बार हमास के हार की मांग की।
आज जम्मू को 30,500 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आईआईटी आईएम समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जम्मू में अलर्ट, जम्मू जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा, आज पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी की आज यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में होंगे पेश। अमेठी से स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला का भारत जोड़ो यात्रा में लोग नहीं जा रहे तो दूसरे जिलों से लोग भीड़ लेकर आ रहे हैं। 24 फरवरी को न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, मुरादाबाद में यात्रा में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी। आज दोपहर 2 बजे से रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर सस्पेंस का, पहले सीट बंटवारे पर हो फैसला तभी होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में फिर सीट बंटवारे पर गतिरोध, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने को तैयार। अखिलेश की न्याय यात्रा में शामिल न होने पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा यात्रा में जुड़ने न जुड़ने से गठबंधन कमजोर नहीं होता। आज एमपी कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ, सूत्रों के मुताबिक सुबह बेंगलुरु जाकर अपने धर्म गुरु से मिले। किसानों के सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया, कल सुबह 11 बजे करेंगे दिल्ली कूच। किसानों की मांग, 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे सकता, 23 फसलों पर एमएस की गारंटी पर मांग, गारंटी की मांग पर अड़े किसान, कहा फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर तय की जाए। हरियाणा के जींद में आज होगी महापंचायत, किसान संगठन महापंचायत में कर सकते हैं अहम फैसले। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई, सीजेआई ने अपने आदेश में लिखा रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला, बैलेट पेपर को किया था चिन्ह। आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। आज अयोध्या जाएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। अयोध्या में बनाया जा रहा 7,000 किलो हलवा, मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने रामलला के भोग के लिए तैयार किया प्रसाद। अब दिवका में आमने सामने की जंग जारी, रूस यूक्रेन आमने सामने कर रहे हैं वार पलटवार, यूक्रेनी सेना का रूसी पोस्ट पर फायरिंग को लेकर खबर। बाखमुट में यूक्रेनी ड्रोन्स के पिन पॉइंट हमले, एंटी टैंक माइंस की खेप को तबाह किया। रूस पर हमले के लिए यूक्रेनी सांसद ने कहा नेटो देश सदस्यता नहीं दे सकते तो न्यूक्लियर वेपन दें। अवदिवका जीत के बाद रूस की परमाणु धमकी, मेदवेदेव की वार्निंग, रूस पर हमला हुआ तो परमाणु अटैक करेंगे। अमेरिकी ब्राडली का यूक्रेन में विध्वंस, अवदिवका में रूसी टैंक को तबाह किया। अमेरिकी सेना पर हुती का बड़ा हमला, हमले में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को तबाह किया। रेड सी में बाब अल मंदेब के पास हुती का अटैक, सेंट्रल अमेरिकी देश बेलीज की शिप पर हमला। ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हुती का हमला, यूएई से बुल्गारिया जा रहा था मालवाहक जहाज। पहली बार हुती का अंडरवाटर ड्रोन से हमला, अमेरिका ने अंडरवाटर ड्रोन को तबाह किया। हुती ने बड़ी संख्या में सेना में भर्ती शुरू की, हुती के 20,000 लड़ाके गाजा जाने को तैयार। शराब घोटाले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, कहा हमने कानून के हिसाब से जवाब दिया। पानी बिल की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर दिल्ली सरकार और ऑफिसर्स में तकरार, केजरीवाल बोले एलजी की शह पर योजना रोकने की कोशिश। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। झारखंड के चतरा में देवी मां के दरबार पहुंचे सीएम चंपई सोरेन, मां भद्रकाली के मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को झटका, आदिवासी नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, 22 फरवरी को दिल्ली में पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। मराठा समुदाय को आरक्षण पर आज महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन, सत्र से पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं ने मंथन किया। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर अहम बैठक हुई, बैठक में समिति ने अब तक की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम 2 दिन चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। हल्द्वानी के भनपुलपुरा क्षेत्र से हटाया गया कर्फ्यू, जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आदेश जारी किए। स्विस बैंक में इजरायली फोर्स को बड़ी कामयाबी, तुलकर्म में पकड़ा गया वांटेड हमास लड़ाका। हमास का इजरायली फोर्स पर हमला, हमास के लड़ाके घरों में छुपकर कर रहे हमला। गाजा इजरायल जंग में पुतिन की एंट्री, गाजा में लोगों की मदद करेगा रूस। हमास के टॉप लीडर से मिलेंगे पुतिन, हमास समेत 14 फिलिस्तीनी ग्रुप से होगी मुलाकात। गाजा में 10,000 हमास लड़ाकों की मौत, गाजा में 13 हमास बटालियन तबाह।
इजराइल डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का दावा, शनिवार को बदलना चाहता हमास। इजराइल में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। हमास के अलकसाम ब्रिगेड का बड़ा हमला गाजा के ऊपर, इजराइल के हर्मीस 900 यूएवी को निशाना बनाया। हुती के ठिकानों पर 5 विध्वंसक हमले, यूएस हमले में 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह। हुती के साथ अब तक की सबसे बड़ी जंग, 7,000 अमेरिकी सैनिक रेड सी में मौजूद। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को संबोधित किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा यूपीए के समय के प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए जा रहे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट जारी की, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज लखनऊ में अहम बैठक, सीएम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक रहेंगे। बिहार में आज से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। देहरादून में वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, वन रक्षकों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अहमदाबाद में सिटी पुलिस स्पोर्ट्स मीट 2024 कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की कार्यक्रम में शिरकत। दिल्ली सरकार ने की दिया मेट्रो फेज 4 का तोहफा, जनकपुरी वेस्ट से मौजपुरी कॉरिडोर निर्माण में आएगी तेजी। मुस्लिम युवकों में दिखी राम भक्ति, राजस्थान के नागौर जिले से 4 मुस्लिम युवक पूजा करने पहुंचे अयोध्या। किम को परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहा है रूस, 2010 की तरह बड़े हमले की तैयारी में है किम जोंग। ताइवान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है चीन, न्यूक्लियर वेपन सबमरीन बॉम्बर की खेप भी है तैयार। अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सेंसर चुरा रहा है चीन, कैलिफोर्निया में पकड़ा गया चीन का जासूस। यमन ने हुती पर कार्रवाई के लिए मदद मांगी, राष्ट्रपति रशद अल अलीमी का दावा, हुती के खतरे को रोक नहीं पाएंगे अमेरिका और ब्रिटेन। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन से आयात कर रहा है विरोध। मेक्सिको में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसैलाब, चुनावी सुधार योजनाओं के खिलाफ 5,00,000 लोगों का मार्च। यमन की सेना ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। दक्षिणी फ्रांस में आग का कहर, सैकड़ों टन लिथियम बैटरियां खाक। यूरोपीय यूनियन की कृषि नीतियों का विरोध, चेक के प्राग शहर में विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़क पर उतरे हजारों लोग। मेक्सिको के कैरेबियाई तट पर एक कार भीषण हादसे का शिकार हुई, हादसे में 5 अर्जेंटीना और 1 मेक्सिको के शख्स की मौत हुई। नेवी के मिलन का 12th एडिशन, 27 फरवरी तक युद्धाभ्यास चलेगा, युद्धाभ्यास में भारत के 50 विमान होंगे हिस्सा लेंगे। युद्धाभ्यास में भारत की नौसेना दम दिखाएगी, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य समेत 20 जहाज शामिल होंगे। पुणे में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, महिला ने भागकर जान बचाई। यूपी के गोरखपुर में एक शख्स के पेट में फंसा 2 फीट लंबा लोहे का बेलन, मुश्किल से जान बची है। महाराष्ट्र के सांगली में भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। यूपी के मेरठ में सराहनीय पहल की शुरुआत हुई, एसिड अटैक पीड़ितों ने मिलकर कैफे शुरू किया है। लद्दाख के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, द्रास करगिल में घरों में बर्फ जमी, गाड़ियों पर भी बर्फ जमी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की सफेद चादर, केलोंग में भारी बर्फबारी, बिजली के तारों में बर्फ जमी। और आइए अब दिखाते हैं आपको कुछ वीडियो ब्रेकिंग्स, बड़ी न्यूज इस वक्त की तस्वीरों के माध्यम से। लेबनान पर कहर बनकर टूटी इजरायली एयरफोर्स, थर्रा उठी लेबनान की पोर्ट सिटी सिडोन, इजरायली एयर स्ट्राइक से सिडोन में भीषण तबाही, हर तरफ उठती दिखी आग की ऊंची लपट। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से यहां पर लेबनान की पोर्ट सिटी में कहर देखने को मिला है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से यहां पर भीषण तबाही हुई, आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती नजर आ रही हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। और लेबनान की पोर्ट सिटी सिडोन पर स्ट्राइक का एक और वीडियो आपके सामने, मलबे की ढेर में तब्दील कई इमारतें, ये देखिए तस्वीर। आईडीएफ के हमले में बर्बाद हुआ सिडोन शहर का बड़ा हिस्सा। पूरे इलाके में लगातार हो रही आगजनी के बाद सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, गाड़ियां जल चुकी हैं, घर जलकर खाक हो गए हैं। और लेबनान के सिडोन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्ला के गढ़ पर इसराइल ने की बमबारी, सिडोन में
तबाही का एक और वीडियो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस हमले के बाद से। समर्थन, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। या अफू अल्लाह। या वैले। समर्थन, अल्लाह अकबर। और लेबनान पर इजरायली फोर्स की स्ट्राइक की अगली तस्वीरें आपके सामने। इजरायली फोर्स ने भीषण बमबारी की। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान के 14 लोग घायल। इजरायली एयरफोर्स ने की है बमबारी लेबनान के गाजियाह शहर पर। बमबारी, आईडीएफ की फाइटर जेट्स ने बरसाया बारूद। लेबनान का गाजियाह शहर धुआं धुआं। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक लगातार। एक और शहर गाजिया शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद से किस तरह का तबाही का मंजर यहां देखने को मिला है। हिजबुल्ला के हथियार डिपो में हुई तबाही की यह तस्वीर देखिए। आईडीएफ की स्ट्राइक में दो हथियार गोदाम को तबाह कर दिया गया। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों की भीषण बमबारी की यह तस्वीरें सामने आई। अगली वीडियो ब्रेकिंग, गाजा में आईडीएफ का ड्रोन ध्वस्त। हमास लड़ाकों का दावा, मैनपेट से इजराइल के अटैक ड्रोन को निशाना बनाया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस ड्रोन को टारगेट किया गया। मैनपेट से ये हमला किया गया, ड्रोन को टारगेट किया गया। और गाजा में राफा बॉर्डर पर पुलिस की गोलीबारी की ये तस्वीरें देखिए। इजिप्ट से आई राहत सामग्री के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस की गोलीबारी में एक नागरिक की भी मौत हुई है। और अवदिवका में बढ़ रहा है रूसी फौज का कब्जा। कोक और केमिकल प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा। अवदिवका के एक और इलाके से भी पीछे हटी यूक्रेन की फौज। और विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें देखिए। 50 देशों की नौसेनाओं का शक्ति प्रदर्शन। विशाखापट्टनम से नेवी के पराक्रम की हैरतअंगेज तस्वीरें आ रही। समंदर में युद्धपोत, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स की दहाड़। दक्षिणी फ्रांस में लिथियम बैटरियां खाक हुई। तस्वीरें आपके सामने। सैकड़ों टन लिथियम बैटरियां जलकर खाक। आग लगने के बाद ऊंची लपटे उठती हुई दूर दूर तक नजर आई। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में किसानों का प्रदर्शन। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में प्रदर्शन। किसानों ने सरकार की कृषि नीतियों का विरोध किया। और दिल्ली में ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूट की कोशिश को लेकर ये तस्वीरें देखिए। चार नकाबपोश बदमाशों ने गोलियां बरसाई।
गुजरात के बनासकांठा में भीषण अग्निकांड, पालनपुर मार्केट यार्ड में भीषण आग लगी, धू धू कर जला यार्ड, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और कुपवाड़ा से आमी के जज्बे की तस्वीरें आई सामने, जहां भीषण बर्फबारी के बीच शिवाजी महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। एलओसी के पास भारतीय फौज ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, गुलमर्ग 21 फरवरी से खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में यहां गेम्स की यहां से शुरुआत होनी है और हुई है और खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग में बर्फ हटाने का काम जारी। एक दिन में करीब 1.5 फीट बर्फबारी, गुलमर्ग में बर्फबारी की ये तस्वीर। और लद्दाख के कई हिस्सों में बर्फबारी की तस्वीरें भी आई सामने, जहां पूरे इलाके में सड़क, घर, पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, बर्फबारी के चलते स्पीति में कुछ पर्यटक फंसे, पर्यटकों को पुलिस ने सुरक्षित होम स्टे में पहुंचाया। मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में बारिश के साथ बर्फबारी को लेकर तस्वीरें आई, बारिश के साथ हुई बर्फबारी से तापमान भी गिर गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के लिए बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।